हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के। तो व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इन बॉडी बिल्डिंग और इन द फिटनेस इंडस्ट्री में ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का क्या रोल है? देखिए, एनाबॉलिज्म का मतलब है आपकी बॉडी जो है एनाबॉलिकली हार्मोन रिलीज करती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है आपका हार्मोन है, कुछ इंसुलिन आपके हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है। अगर ये बॉडी जब आपकी ज्यादा सबसे ज्यादा जब टाइम पे रिलीज करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या आप पर्सनल डाइट लेते हैं, तो जब रिलीज करती है आपकी बॉडी तो इसका मतलब होता है एनाबॉलिज्म। और जब आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा हार्मोन रिलीज करे तो एनाबॉलिज्म होता है। जब आपकी बॉडी मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा करने लग जाती है तो इसका मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी रिकवरी के लिए प्रोटीन इंटेक पूरा प्रॉपर नहीं ले रहे हैं अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग या अपनी मसल टिश्यूज के अकॉर्डिंग, तो आपकी बॉडी बॉडी क्या होगा, आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म से जाएगी, जिससे हम मसल ब्रेकडाउन कहते हैं। मसल ब्रेकडाउन होने की वजह से आपकी मसल्स की ग्रोथ रुक जाएगी, आपका हार्मोन रिलीज बहुत कम हो जाएगा, आपका मसल डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी बॉडी कैसे एनाबॉलिज्म में कह सकते हैं। देखिए, कैसेन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आपकी मसल्स को 8 आवर्स तक फीड करता है। आप ड्यूरिंग नाइट आप कैसेन यूज कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप कैसेन से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपकी मसल को 16 घंटे तक फीड करता रहेगा, आपकी बॉडी को एनाबॉलिज्म में रखेगा, मसल्स को ब्रेकडाउन नहीं होने देगा। क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग का बहुत बेस्ट सप्लीमेंट है और इसको लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कैसेन को यूज करें अर्ली मॉर्निंग और ड्यूरिंग नाइट, आप यूज करके अपनी बॉडी को एनाबॉलिज्म में रख सकते हैं और कैटाबॉलिज्म में जाने से रोक सकते हैं। तो बेस्ट थिंग यही रहेगा कि अपनी बॉडी में आप एनाबॉलिज्म को बना के रखिए, और बॉडी बिल्डिंग में आपके इसका सपोर्ट आपका बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें आपके हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज विकास एंड वेलकम, आई मीन हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।